गुड इवनिंग एवरी वन, होप यू ऑल आर गुड. सो टूडे वी विल डन इजी ट्रिक टू सॉल्व स्क्वेयर्स ऑफ 5. हमें इसकी डेली लाइफ में बहुत नीड होती है, 6th to 10th क्लास तो वैसे भी. सो आज हम कुछ रिलेटेड स्क्वेयर्स करेंगे. फर्स्ट मैंने आपके आगे कर रखा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, इसको हम ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास 15. इसकी भी बहुत स्क्वेयर्स पूछे जाते हैं हमारे 6th to 10th स्टैंडर्ड तक तो वैसे भी. 15 into 15 जो कि इज इक्वल आप कर सकते हो ऐसे 15 15. यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट वाले का तो सिंपल स्क्वेयर करना है, बट यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है 1 है, सो जो यहाँ डिजिट है उसमें आपको 1 प्लस करना है. यहाँ तो फॉर्चुनेटली 1 है तो हमने 1 प्लस किया तो ये 2 हुआ. कुछ और भी हो तो भी हमें ऐसे ही ऐड करना है. अब इस 2 को इस 1 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा? 2. सो ये बन गया 15 का स्क्वेयर, 225. नेक्स्ट करें 25 का स्क्वेयर करें तो 25 भी सेम होगा. ये सिर्फ 5 वाले रूल्स पे ही अप्लाइड है, बट इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है. सेम 5 लास्ट डिजिट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25. 2 + 1 = 3. 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट 2, दैट इज 6. तो ये हो गया 25 का स्क्वायर रूट. नेक्स्ट हम करेंगे 65 का स्क्वायर कर देते हैं हम, 65 into 65. ऐसे ही हम ले लेंगे इसको भी. लास्ट डिजिट का पूरा स्क्वायर 6 + 1 = 7. सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती हैं, बट मैं इसको करेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी. 7 into 6 = 42. तो ये जो है आपका 65 का स्क्वायर हो जाएगा. अब आपको कमेंट सेक्शन में 45 के स्क्वेयर का आंसर देना है. अब आप इस ट्रिक से बहुत बड़े बड़े नंबर्स के भी कर सकते हैं स्क्वेयर रूट, जैसे कि 1055 का करके देखें. हम देखते हैं इससे हमारा होगा या नहीं. सेम चीज़ करनी है, लास्ट डिजिट का स्क्वेयर एज इट इज़ लिखना है. 5 + 1 कर देंगे तो ये 6 6 5 = 30. अब यहाँ पे 10 पूरा लेंगे, 0 अलग नहीं होगा. 10 + 1 = 11. 11 × 10 = 110. अब चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आपको यही मिलेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको अच्छी लगी हो ट्रिक तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.